किसान भाइयों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय हों। इस समय है फरखाबाद की सातरपुर मंडी, आज 2 मई 2024 दिन गुरुवार। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पूरी अपडेट देखें, लास्ट तक देखें, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो किसान भाइयों, आज बात करें आमदनी की। आमदनी वही होगी 10 मोटर के आसपास। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर लगा हुआ ख्याति आलू है। कलर साइज का काफ़ी बढ़िया आलू है और इसके अंदर कोई शिकायत नहीं है चेचे घुघिया की। मोटाई काफ़ी अच्छी है आलू की। और कलर की बात करें, कलर जो है बिल्कुल नॉर्मल कलर है, जो कलर होना चाहिए। इधर किसान लोग हैं, इनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। किस गांव से हो भैया आप लोग? मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद क्षेत्र। कितना डंप है अभी गांव में? अभी डंप खत्म ही होने पर है। अब तक कहाँ लगेगा? अभी 2-3 दिन। 2-3 दिन में बिल्कुल समाप्त? हाँ, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार कब तक आलू बेचा था मंडी में आके? लास्ट अप्रैल थी। अच्छा, यानी इस बार ज़्यादा रोक लिया। और क्या, इस बार मई चलने लगी है। मई, आज 2 मई हो गई। आज मई हो गई है। हाँ, तो आज क्या भाव बिका ये आलू? 1801 रुपये। और आसपास की टालियाँ किस किस गए से? 1600-1750। 1600-1750 तो तुम्हारा आलू बिका 1801 रुपये। कल परसों मिलाए थे आलू? कल भी लाए, परसों भी लाए। कल क्या भाव बिका था? कल 1781 बिका था। परसों भी यही रेट बिका था। और आज 1801 बिक गया, यानी 20 रुपये बढ़ गया आज। बढ़ गया आज। अच्छा, ठीक है भाई, धन्यवाद। देखिए भाई, हमारे प्यारे किसान साथियों, उधर तौल लग चुकी है और मैं आपको दिखाता हूँ ख्याति आलू। बात करें साइज की, साइज काफी अच्छा है आलू का। एक आध डग्गा है जो कि निकाल रहे हैं ये। इधर किसान है, ये भी, इनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। शुभ नाम क्या आपका भैया? किस गांव से? ये किधर लगता है? मोहम्मदाबाद क्षेत्र। अच्छा, साइज प्लान के बाद। हाँ हाँ, समझ गया। ये तो फिर अभी तक अभी कितना डंप रह गया है अभी गांव में? पूरे गांव में 4-5 डाली? पूरे गांव में नहीं, मेरे पास रही एक डाली होता। अच्छा, समाप्त कर लिया। और पिछली साल आखिरी टाली कब बेची थी? आखिरी टाली रह गई। नहीं, पिछली साल आखिरी टाली कब बेची थी? करीबन 22 मई। 22 मई को। और इस बार यानी कि जल्दी बेच रहा होगा डंप वाला आलू? लपड़ भी चल रही है, आलू लूज पड़ रहा है। हाँ, लपड़ पड़ रही है आलू की, थोड़ी लूजिंग आ रही है इस समय। पीला भी दे रहा आलू। जी जी जी। तो आज क्या भाव बिका ये आलू? 1791। और आसपास की टालियाँ को भाव लिए कैसे कैसे बिकी? 1700 रुपये छूट है। 100 रुपये की छूट है। 100 रुपये की टूट है। कल बेचा था आलू लाके? कल नहीं आए थे। तो देखिए भाई, इनका आलू किसान साथियों बिका 1791 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। अरे
हल्की एक आध रफ़ी की शिकायत है आलू में, और कलर जो है थोड़ा 19 हो चुका है इसका, कलर डाउन है। हाँ कलर डाउन है भाई। इधर किसान है, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। भाई किस गांव से हो तुम? कितना रह गया गांव में डम? खत्म है। चार पांच दिन चलेगा अभी और? हाँ चार पांच दिन हो जाएगा। अच्छा तो आज क्या भाव बिकाई आलू? 1681। थोड़ा आलू का जो है कलर डिम हो गया इसमें। कितने दिन का था आलू लगा हुआ ये? खुदा तो टाइम से था, तेल वगैरह टाइम से नहीं। नहीं डिम कितने दिन हो गया लगे हुए? डेढ़ महीना से लगा था। अच्छा और आसपास की टालियाँ किसका कैसे भाव से बिकी? अच्छा जानकारी नहीं है इन्हें भाई। देखिए भाई हमारे प्यारे किसान साथियों, इधर तौल लगी हुई है, पुखराज आलू है, इसके अंदर रफ़ी की शिकायत है और हल्की चेचक और घुघिया की भी शिकायत है इसके अंदर भाई। इधर किसान है ये, इनसे भी पूछेंगे जानकारी लेंगे। अरे किस गांव से हो? महंगमा शमशाबाद। थोड़ा इधर जाने दो। कितना गांव में कितना डंप रह गया अभी गांव में तुम्हारे? बहुत डंप है। और रुपया कितनी डाली होंगी? छह सात मोटर है, यानी कि 30-35 टाली। तो काफी डंप अभी बाकी है गांव में। सबसे ज्यादा आसपास के गांव में सबसे ज्यादा। तो आज क्या भाव बिका ये? 1671 रुपए प्रति क्विंटल। पुखराज कितने दिन का डंप था ये? डंप कितने दिन का लगा हुआ था ये? हो गए 2 महीने। 2 महीने पूरे? उतने दिन खेत में, उतने दिन बैरार। अच्छा जितने दिन गए थे उतने दिन बहरा रहा है। इधर आयुष जी हैं, आलू आरती भैया नमस्कार। कैसी दिवाली कैसी है आज? दिवाली कल से आज ठीक है। अच्छा। मैं कोई बाजार तेजी नहीं है, लेकिन दिवाली सही है। आमदनी आज कितनी लग रही होगी? आज 7-8 मोटर है। 7-8 मोटर है। पहले गल्ला मंडी में लगता था, गल्ला मंडी बंद है, अब आलू सब यहीं लगता, ज्यादा आमदनी नहीं है। मुझे तो अनुमान लग रहा था 10 के आसपास पहुंच जानी चाहिए। हाँ, 10 की होगी, बड़ी मंडी है पीछे लगा भी होगा। जी हाँ। अपने इधर हमने देखा, एक अनुमान लगाया। तो दिवाली कल से अच्छी बता रहे हो आप? हाँ दिवाली कल से अच्छी है, लेकिन बाजार में कोई तेजी नहीं है, मार्केट वही है कली वाला भाई। अच्छे आलू 1750 के आस पास, 1800 के आस पास, 1750 और निवल वाले 1650। 1500 में बिका कुछ? 15 चेचक वाले, बहुत ज्यादा चेचक है, घुघिया चेचक वगैरह। और नंबर एक तो वही 1750 वाले ने ले लिया होगा 1800 रुपए। अच्छा हाँ, क्या थी आलू? हाँ आमतौर पर ही 1700 रुपए। अच्छा बिक रहे हैं 1700-1600 रुपए ज़्यादातर यही मार्केट। अच्छा कोल्ड की क्या पोजीशन चल रही है? कोल्ड की चल रही है वही 850 रुपए लेके 900 रुपए पैकेट। 850 से 900 रुपए प्रति पैकेट। हाँ व्यापारी कोल्ड ड्रिंक में ज़्यादा लेंगे। मैं उनका परता आ रहा है, परता आ रहा हूँ। आलू भी सही मिल रहा है, मतलब कि परते से मिल रहा हूँ।
और अपना व्यापारी ने रखा वो अपना ज्यादातर कटा रहे, किसान भाई बेच नहीं रहे अभी। हाँ तो, किसान तो अभी पर्ची लेके पहुंच ही नहीं रहा, मतलब कि वो ये सोच रहे कि 1000 रुपए पैकेट हमारे कच्चा भाड़ा छोड़ के मिल जाए। हाँ भाड़ा वाड़ा हटा के 1000 रुपए पैकेट की बचत जेब के अंदर आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ। सो अभी तक अभी तो अभी अभी तो अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल है। व्यापारी भाई वो बेचे ले रहे, उनका रखा हुआ है, उनका रखा है जो भी भाव का भी रखा है वो अपना निकाल रहे हैं, अगर गाड़ी बनानी अपनी निकाला फराट कटाया दूसरे तीसरे दिन लौट करी और चली गई गाड़ी। किसान भाइयों का वो खेत का रखा वो सोच रहे इतने में बिके बेचेंगे, और व्यापारी का मोल का रखा उन्हें जहाँ मिला 500 रुपए कट्टा वो तो बेच लेंगे। हाँ उनका मोल का उनका पैसा लगा हुआ उसके अंदर, वो पैसा सीधा करे लिए। अब किसान का भी पैसा लगा है, मैं ये नहीं कह रहा सर कि किसान का पैसा नहीं लगा, लेकिन किसान ये सोच रहा है कि 1000 रुपए पैकेट तक की बचत जेब में आ जाए भाड़ा निकल के। अभी नहीं उसमें समय लगेगा, समय लगेगा, आलू है कुछ भी हो सकता। मंडी क्या कब तक चलेगी, क्या उम्मीद लग रही है? क्या मंडी कब तक चलेगी? मंडी और चलेगी 15 दिन। 15 दिन चल जाएगी? चल जाएगी यार, आज 2 तारीख अभी है, लेकिन किसान भाई जल्दी बेच ले ज्यादा बढ़िया, क्योंकि 13 तारीख को इलेक्शन है के यहाँ। हाँ हाँ 13 बंद भी रहेगी, 3-4 दिन बंद रहेगी, 2 दिन से तो मंडी बंद हो जाएगी, 10-11 तारीख से तो बंद होनी होनी है, 11-12-13 हो सकता 14 को भी ना खुल पाए। किसान भाई पहले बेच ले ज्यादा बढ़िया है। हाँ और फिर लिवाल भी उतने नहीं रहेंगे जितने अभी इस समय है लिवाल। फिर वो और कोल्डों में पहुंच जाएंगे। हाँ तो अभी बेच ले ज्यादा सही है। भाव की उम्मीद लग रही कि अभी मंडी में भाव बढ़ेगा क्या? कुछ नहीं बढ़ेगा, कोल्ड स्टोर से करने लगा वहाँ से आदमी लेने लगा, यहाँ बढ़ेगा तो आदमी स्टोर से नहीं लेगा। हाँ ठीक है जी, जी ठीक है, धन्यवाद जी। देखिए ये आयुष जी हैं, आलू आड़ती हैं, तो इन्होंने बताया आज किस तरीके से आमदनी है और लिवाली कल से बेहतर बता रहे हैं, भाव जो हैं कल ही जैसे हैं इनके अनुसार।